नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो गाइज, आज हम आपको 9 पॉइंट की हेल्प से सबसे आसान तरीके से पिकॉक का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 9 पॉइंट की हेल्प से आपको इस तरह 9 पॉइंट लगाना होगा। फिर बहुत ही ध्यान से यहाँ से ऊपर के साइड में देखिएगा, इधर से आपको यहाँ पर ले जाना होगा, फिर यहाँ से दोस्तों आपको ऐसे ले जाना होगा, इस पॉइंट को मिलाइएगा, फिर ये वाली लाइन आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। इस तरह आपको एक 2 नंबर लिख देना होगा। 2 नंबर लिखने के बाद दोस्तों ये वाला पोर्शन आप ऐसे अंदर की तरफ ले जाइएगा, यहाँ से घुमाते हुए टच कर दीजिए। जब आप टच कर लेंगे तो आगे से आपको इसको डबल करना होगा, यहाँ पर डबल कर दीजिए, फिर यहाँ से आप इस पॉइंट को ऐसे मिलाइएगा ऊपर की तरफ। आप यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे, इस पॉइंट को टच नहीं करना है, फिर हल्का सा अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर और यहाँ पर पॉइंट को मिला दीजिए। आगे से एक वी लेटर लिखिएगा। ऊपर दोस्तों आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पर आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को लगा दीजिएगा। जब आप पॉइंट लगा लेंगे दोस्तों, इस वाले पॉइंट से ऊपर के साइड में आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से एक लाइन आपको नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ करना होगा, इस तरह आप लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसानी से बनाना सिखा देंगे। अब ध्यान से आप देखेंगे, इधर से अंदर यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे, एक बार इधर ले जाइएगा, एक यहाँ पर, ये हो जाएगा। इधर ऐसे आप बढ़ाते हुए इस लास्ट वाली लाइन के साथ लाकर मिला दीजिएगा। इस पॉइंट की हेल्प से हमें यहाँ पर ऐसे मोर का बीच वाला हिस्सा बनाना होगा और इधर आप ऐसे डबल कर दीजिएगा, इधर भी बढ़ा दीजिए। देखिए कितना आसान है, यहाँ पर बढ़ाएंगे, एक आप इधर भी बना दीजिए। इसी तरह नीचे के साइड में भी आप रिपीट करते जाइएगा। और आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी दोस्तों, अगर आपको पता है हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर भी बढ़ा देंगे। अब हमें नीचे के साइड से इसको ऐसे डबल कर देना होगा। इधर दोस्तों आपको एक 4 नंबर लिखना है, ये हो गया 4 नंबर। यहाँ से इधर ऐसे ले जाएंगे, इसको मिला दीजिएगा, नीचे के साइड में ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, इधर भी आप ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देंगे, एक छोटी सी लाइन और आप ड्रॉ कर दीजिएगा। अब इस पॉइंट की हेल्प से आप इस पिकॉक का आई बना दीजिए, ऊपर ऐसे छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे, नीचे के साइड से यहाँ से ऐसे उठाते हुए बढ़ा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस पिकॉक को बहुत ही आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।